वट एफ एस ए आप बिना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए बगैर भी रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं इंटरेस्टिंग राइट बट कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं द आंसर टू इट इज रीड आर रीज का कॉन्सेप्ट रिलेटिवली बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है बहुत ज्यादा नया भी नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग इससे अन अवेयर हैं रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया में ऑफिस बिल्डिंग का जो स्पेस है वो आने वाले ईयर्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है विच गिव द इन्वेस्टर्स अ चांस और एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट सेक्टर लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा कॉर्परस अमाउंट ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इट रिक्वायर्स लेकिन रीट एक ऐसा सल्यूशन है जिससे आप बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है सो so, रीट का कॉन्सेप्ट क्या है क्या होता है ये क्या अलग अलग तरह के रीट हैं इंडिया में और कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कितना इस पर टैक्स लगता है ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे साथ ही हम लोग रिसेंट न्यूज डिस्कस करेंगे कि इंडिया में अगर ऑफिस स्पेस इंक्रीज हो रहा है तो उसके बारे में क्या न्यूज है अपार्ट फ्रॉम दिस विल डिस्कस कि रीट क्या होता है बेसिक मैं आपको बताऊंगी इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है किस किस टाइप के होते हैं कैसे रेगुलेट होता है उसके बाद बात करेंगे कि रीट्स जो है, जो हैं हैं वो इनकम कैसे जनरेट करता है इन्वेस्टर्स के लिए लेट्स से अगर आप कल को रीट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप वहां से इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं वो भी बिना किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए उसके बाद हम लोग टैक्सेशन रूल्स देखेंगे कि, कि किस हिसाब से टैक्स लगता है और लास्ट में हम लोग इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस दोनों डिस्कस करेंगे सो so चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेलकम टू अनदर क्लास विद मी आई एम गुड गुडप्रीत राणा एंड यू आर वाचिंग ईटी नाउ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिपोर्ट की सामरी के साथ रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है जो न्यूज़ आई है उसमें ये चीज कही गई है कि हमारे पास तीन ऑफिस रीट्स हैं पहले मैं आपको न्यूज़ डिस्कस कर देती हूं आपके साथ उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि रीट एक्टरी होता क्या है सो so, इंडिया में तीन मेन जो है ना ऑफिस रीट आ जाते हैं एक तो एम्बेसी रीट है रियल एस्टेट ट्रस्ट है 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 माइंड स्पेस बिजनेस सो कहा गया है कि ये जो रीट्स हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर की फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सो ये जो रीट्स हैं कहा गया है कि तीन बड़े इंडिया के रीट्स हैं जो कि लगभग हंड्रेड मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस स्पेस जो है क्या है होल्ड करते हैं इतनी जगह इन लोगों के पास ऑफिस स्पेस

आने वाले टाइम में जो है ऑफिस डिमांड जो है वो 70 मिलियन स्क्वायर फीट भी क्रॉस कर जाएगी 2024 में है ना तो यानी कि डिमांड जो है वो आगे भी बढ़ती हुई हमें नजर आएगी ऑलरेडी जो हमारे पास ट्रस्ट है उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड ऑलरेडी है अलग अलग लोकेशन पे प्राइमरी लोकेशंस पर राइट right? इसके अलावा बात करें तो रीट जो है ना ये धीरे धीरे करके आपके और इंक्रीज करने वाले हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं कि रीट एक्चुअली में होता क्या है ठीक है रीट के पास बहुत सारा ऑफिस स्पेस है ऑफिस की डिमांड स्पेस की डिमांड बढ़ने वाली है तो रीट एक्चुअली होता क्या है वॉट आर आर ई आई टीज रीट्स होते क्या हैं बेसिकली रीट की फुल फॉर्म क्या है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये क्या है अगर मैं आपको एक लेम टर्म में बोलूँ तो रीट एक ऐसी कंपनी होती है जो कि इस तरीके के जो ऑफिस स्पेसेस हो गए शॉपिंग मॉल्स हो गए कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई इस तरीके की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है या आप बोलें रियल एस्टेट लैंड है इनको ओन करती है है ना एक कंपनी जो इस तरीके की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को ओन करती है उसे ऑपरेट करती है राइट और वहां से जो रेंटल इनकम जनरेट होती है वो हो जाता है इस कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम सो रीट क्या है एक इसी तरीके का ट्रस्ट होता है इसे और आसान भाषा में समझाने के लिए जैसे बहुत सारे

रीट का क्या कॉन्सेप्ट है कि रीट वाली जो कंपनियां होती जो जिस तरीके के ट्रस्ट होते हैं अलग अलग को ओन करते हैं, करते हैं और यहां से जो भी प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कितना परसेंट दिया जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी so कंपनी जो अलग अलग जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टी ओन करती है राइट उसे ऑपरेट करती है और वहीं से इनकम जनरेट करती है में right? करने का काम करती है REIT. अब बात अगर की जाए कि किस किस तरह के REITs होते हैं है ना real, uh, estate investment trust किस किस तरह के होते हैं रीट की अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाता है एक्विटी रीट एक्विटी रीट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है uh, ये बेसिकली वो वाली कंपनीज होती हैं जो क्या है जिनके पास फिजिकल प्रॉपर्टी होगी कोई भी है ना जैसे अभी अभी हमने देखा कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है कोई ऑफिस स्पेस हो गया आ, कोई शॉपिंग मॉल हो गया कोई दूसरी बिल्डिंग हो गई तो फिजिकल प्रॉपर्टी को ओन करेगी इस तरीके की जो इक्विटी आर होगी राइट और यहाँ से जो है ना फिर जो भी रेंट आएगा ऑफिस स्पेस में जो लोग जो भी ऑफिस स्पेस बहुत बड़े बड़े होते हैं बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होती हैं लोग रहते हैं तो वहाँ से जो रेंट जनरेट होता है वो क्या है इनका सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है और यही रेंट जो है फिर आगे क्या है इन्वेस्टर्स को भी मिलता है है ना यही

तो यहां से जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो बन जाता है ऐसे मोटगेज आर के लिए सोर्स ऑफ इनकम जो अल्टीमेटली क्या है इन्वेस्टर्स को भी दिया जाता है इसके बाद बात करते हैं तो आ जाता है हाइब्रिड आर इज इज हाइब्रिड बेसिकली इट मिक्स ऑफ इक्विटी एंड मॉटगेज है ना इक्विटी प्लस मॉटगेज का मिक्स हो जाता है यानी कि ऐसी कंपनी ऐसा ट्रस्ट जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी भी ओन करती है साथ में लोन्स में भी इन्वेस्ट करती है तो लोन से जो इंटरेस्ट आएगा वो भी सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा और फिजिकल प्रॉपर्टी से जो रेंट आ जाएगा वो भी क्या है सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा है ना सो so, हाइब्रिड दोनों मोड हो जाते हैं उसके बाद आता है प्राइवेट आर ईआईटीज प्राइवेट आर ईआईटीज क्या होते हैं सो बेसिकली क्या है जो भी आर आई टी चीज अभी तक जो हमने देखा इक्विटी मॉड के जो ये सारे क्या है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं ठीक है अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं सो so ये क्या है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है लेकिन अगर मैं प्राइवेट की बात करती हूँ तो ये जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होता है नॉट लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट और ना ही इसे से रेगुलेट करता है ये जो है ना आपके प्राइवेट आर होते हैं और इनमें फिर इन्वेस्ट कौन करेगा भाई पब्लिकली ट्रेड नहीं हो रहा है सेबी से, से रेगुलेट नहीं कर रही है तो फिर मतलब क्या है तो यहाँ पर क्या होता है इसमें ऐसे इन्वेस्टर्स जो है ना निवेश करते हैं इन्वेस्ट करते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर नेटवर्थ होती है नेट इनकम होती है राइट जो जिनकी एक स्पेसिफिक इनकम होगी या स्पेसिफिक नेटवर्थ होगी वही क्या है इन प्राइवेट आरियाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं है ना तो यानी कि ये क्या है प्राइवेटली हेल्ड है और क्योंकि अब ये प्राइवेटली है पब्लिकली इन्हें ट्रेड नहीं किया जा सकता है तो ये क्या हो जाते हैं लेस लिक्विड हो जाते हैं लिक्विडिटी इनकी कम हो जाती है बाकियों के कंपैरिजन में इक्विटी

कर सकते हो सो so, ये क्या है आपके कुछ प्राइमरी टाइप्स जो है आ जाते हैं आर के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के इक्विटी मॉडगेज हाइब्रिड प्राइवेट और पब्लिकली ट्रेडेड आर इन सब के जरिए क्या है आप एक तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अब बात करते हैं कि ठीक है हमें पता चल गया कि आर क्या होते हैं और किस किस तरह के आर होते हैं हमें पता चल गया कि अच्छा ऑफिस स्पेस की डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है तो लेकिन अगर अब हमें इसमें इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं बहुत सिंपल है लाइक बेसिक स्टॉक मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं अगर आपको किसी कंपनी का शेयर ख़रीदना है तो आपको भाई एक डी अकाउंट की ज़रूरत होगी लाइक वाइज़ आर में इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए एक डी अकाउंट चाहिए दैट्स इट एक डी अकाउंट आपको चाहिए होगा और इसी डी अकाउंट के जरिए आप क्या है आर में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि ये आर क्या है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं है ना ये क्या है लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको क्या है अपने डी अकाउंट के जरिए क्या है सिंपली जाके जो भी आर जो भी अवेलेबल ऑप्शन हैं इंडिया में वहां पर जाकर आप इन कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं होल्ड कर सकते हैं राइट जैसे कि इंडिया में अगर बात की जाए तो अभी अगर प्रेजेंटली बात करें तो तीन मेन जो है ना क्या है आर आ जाते हैं सबसे पहला आ जाता है एम्बेसी ऑफिस पार्क आर माइंड स्पेस बिजनेस पार्क आर आ जाता है और ब्रूकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट आ जाता है तो ये तीन जो है ना मेन आर

राइट right? लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी आप ओन नहीं करेंगे रादर जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है हमें कुछ यूनिट्स मिलते हैं लाइकवाइज यहां पर भी क्या है हम लोग हम लोगों को इसकी जगह क्या है यूनिट्स दिए जाएंगे और उन यूनिट्स के जरिए हम क्या है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं सो so, इनडायरेक्टली हम लोग क्या है रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे रादर देन डायरेक्टली होल्डिंग दैट पीस ऑफ लैंड है ना और अब क्योंकि आ, ये फिजिकल प्रॉपर्टी को होल्ड करने का मैनेज करने का काम का का कौन करेगा ये आर ये ट्रस्ट ये सारा काम करेंगे सो so, हमारे पास वो हैजल भी नहीं रहेगी कि हमें क्या है बार बार चेक करते रहना है कि कहाँ पर कौन सी टी है कितने तो रेट पे देना है कितने तो रेट पे बेचना है कितना रेंट कलेक्शन है ये सारी चीजें चीजों की टेंशन नहीं होगी सो so, आर के जरिए आप फिजिकल प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते हैं रादर आप यूनिट्स होल्ड करते हैं तो so, इन्हीं यूनिट्स को होल्ड करने के लिए आप स्टॉक मार्केट के जरिए अपना एक डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और इन इन कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं अगर मैं बात करूं कि भाई इंडिया में आर कब से आया है तो देखो इंडिया में दो में जो है ना से ने आर के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे जिसमें सेबी ने ये कहा था कि आर जो भी इनकम जनरेट करेंगे उसका नाइन्टी परसेंट जो है वो क्या है अपने इन्वेस्टर्स को देंगे और कैसे देंगे यहां पर ये यह दिया जाएगा डिविडेंड की फॉर्म में

Uh, जैसे ही आपकी टोटल इनकम क्योंकि अब आप आपका डिविडेंड जो है टोटल इनकम में ऐड हो रहा है तो आपकी टोटल इनकम इंक्रीज हो जाएगी यानी कि आपका टैक्स लैब भी बढ़ सकता है तो जो भी टैक्स लैब के हिसाब से सैलरी आपकी जो भी बनती है है ना उस पर जितना भी टैक्स है फाइव परसेंट टेन परसेंट या फिफ्टीन परसेंट है तो वो टैक्स आपको भरना होगा सो so यहाँ पर डिविडेंड जो होता है जो इसमें दिया जाता है वो टैक्सेबल होता है और आपकी नेट इनकम में जो है जुड़ता है ये आपको ध्यान रखना है इसके अलावा बात करें तो कैपिटल गेंस आप स्टॉक्स खरीदें खरीद रहे हैं किसी कंपनी पे उस पर आपको अगर प्रॉफिट होता है उस पर अगर आप कोई भी कैपिटल गेन करते हैं तो उस पर दो तरह का टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अगर बात करें तो ये तब लगेगा जब आप एक साल से पहले पहले आपने अपने आपने शेयर्स खरीदे आपने प्रॉफिट बुक किया और आपने अपने, अपने शेयर्स बेच दिए है।, है ना तो एक साल से पहले पहले अगर आपने ऐसा किया तो क्या है आपको फिफ्टीन जो है यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा फिफ्टीन टैक्स जो है यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा इसके अलावा आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर बात करिए तो अगर आप एक साल से ज्यादा अगर आपका जो शेयर है अगर आप उसे होल्ड कर रहे हैं और अगर एक लाख रुपए से ज़्यादा आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो उस केस में टैक्स लगेगा और कितना टैक्स लगेगा यहाँ पर टेन परसेंट जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म में अगर बात करें यानी कि अगर एक साल से पहले पहले अगर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं तो फिफ्टीन टैक्स जो है आपको कैपिटल गेन्स पे देना पड़ेगा तो दो प्राइमरी टैक्सेबल चीज़ें आ जाती हैं रीच में एक तो डिविडेंट क्योंकि डिविडेंट बहुत ज़्यादा मिलता है नाइन्टी परसेंट डिविडेंट कंपनी जो है देरी देड़, अगर इन्वेस्टर्स को तो डिविडेंड बहुत ज़्यादा है तो टैक्सीबल है ये भी और साथ साथ में कैपिटल गेन्स भी यहाँ पर क्या है टैक्सीबल है जैसे शेयर मार्केट में होता है अब बात करते हैं कि आर के बेनिफिट्स क्या क्या है लेटे से आप अगर आर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है सबसे बेसिक है ना आप ये बेसिक रूल है इन्वेस्टिंग का कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको किसी एक ही चीज़ में आपको किसी एक ही एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना है आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना है सो so, आपको क्या है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं है ना तो इसके अलावा आपको एक एक और ऑप्शन मिल जाता है टी जिसके जरिए आप अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करते हैं तो एक फायदा आपको यहाँ पर मिल जाता है है डाइवर्सिफाइड रहता आपका पोर्टफोलियो उसके अलावा स्मॉल इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखो रियल एस्टेट में सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक कह सकते हैं है ना कि लोग क्यों कतराते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से बिकॉज रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत ह्यूज अमाउंट आपको चाहिए लैक्स में करोड़ में आपको पैसे चाहिए तब जाके आप प्रॉपर्टीज ओन कर सकते हैं तब जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और तब आप जाके कुछ रिटर्न हासिल कर सकते हैं लेकिन आर के जरिए क्या है आप इनडायरेक्टली छोटी इन्वेस्टमेंट के जरिए भी क्या है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं है ना स्टॉक मार्केट के जरिए आप आर के शेयर्स खरीद सकते हैं बहुत ही बेसिक जो है ना प्राइस पे खरीद सकते हैं आपको लैक्स और करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है रियल एस्टेट सेक्टर में घुसने के लिए सो यानी कि छोटी आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ये भी एक बेनिफिट आ जाता है इसके अलावा बात करें तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है अगर आप कंपेयर करें तो अगर मान लो आपके पास चलिए ठीक है पैसे भी आ जाते हैं लेट्स लैक्स और करोड़ ऑफ रुपीज अगर आपके पास आ जाते हैं है ना तो अब आपको चेक करना होगा कि कौन सी प्राइमरी लोकेशन है कौन सी लोकेशन है जहां पर प्रॉपर्टी के दाम ज्यादा है आ, कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें आगे स्कोप बहुत ज्यादा है आपको अपनी रिसर्च खुद बैठ के करनी पड़ेगी उसे कैसे बेचना है चाहे ब्रोकर्स को कॉन्टैक्ट करना है ये सारा हैसल आपको खुद देखना पड़ेगा यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल्स ऑलरेडी मैनेज करते हैं जैसे म्यूचुअल फंडस में होता है आप इन्वेस्ट करते हैं और जो भी आ, होल्डिंग्स होते हैं उन्हें प्रोफेशनल मैनेजर्स जो हैं उन्हें क्या है उनकी देख करते हैं उन्हें मैनेज करते हैं लाइक वाइज रीट में भी क्या है प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है जो इस तरीके के ट्रस्ट होते हैं उनमें मैनेजर्स जो होते हैं वो इसे खुद देखते हैं सारी चीज़ें मैनेज करते हैं तो यहां पर क्या है प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है बिना किसी हाजिल के हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने को नहीं जो है ना हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती इसके अलावा बात करें तो रेगुलर इनकम जनरेशन है ना आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको डिविडेंड मिल रहा है तो आपकी क्या है रेगुलर इनकम में ऐड हो रहा है आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो इनकम एक तरीके से आपका जनरेट हो रहा है और डिविडेंड यहाँ पर बड़ा सोर्स आ जाता है उसके बाद बात करें तो आपको कैपिटल गेन्स तो यहाँ पर मिलते ही हैं है ना तो डिविडेंड के ज़रिए आपकी इनकम जो है वो नेट इनकम भी बढ़ रही है साथ साथ में आपको शेयर ट के जरिए आपने आर में जो इन्वेस्ट किया है वहां से आपको कैपिटल मिल रहे हैं तो ये कुछ बेनिफिट्स हमें आर के जो है वो देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो RITs के पर क्या क्या हो जाते हैं में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली लिमिटेशन जो आ पहले आई टीज में वो है लिमिटेड अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमारे पास जो है करेंटली इंडिया में तीन ही प्राइमरी ऑप्शन हैं अगर हमें आर ए आई टी की तरफ जाना है अगर मैं कल को आर ई आई टी में इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मुझे तीन ही प्राइमरी ऑप्शन नज़र आते हैं इंडिया में यानी कि मेरे पास ऑप्शन बहुत कम हैं है ना तो जो कम ऑप्शन है मुझे उसी में से कुछ चूज करना पड़ेगा है ना तो बहुत ये काफ़ी बड़ा लिमिटेशन आ जाता है आर के सेक्टर में कि लिमिटेड ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं इसके अलावा क्योंकि ऑप्शन लिमिटेड हैं तो लिक्विडिटी भी क्या है कम है अब एक तो सबसे दूसरा फैक्टर ये भी, भी आ जाता है कि आर के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में है नहीं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि आर क्या होता है या अच्छा आर के जरिए भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया जा सकता है तो इससे क्या है यहाँ पर इस सेक्टर में जो है हमें लोग कम देखने को मिलते हैं तो अगर आप अगर मान लो इसके शेयर खरीदते भी हो और

कि जो 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 इनकम जेनरेट करेगी, जो टोटल इनकम जेनरेट करेगी करेगी टोटल उसका जो 90 है, लगेगा। तो ये क्या है? दे आपकी ही पे और बर्डन डालेगा क्योंकि डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है तो आपको उसका टैक्स भी भरना पड़ेगा हालांकि डिविडेंड कितना मिल रहा है ये भी ऑफकोर्स मैटर करेगा लेकिन एट डिविडेंड आपका टैक्सेबल है इनकम से कटेगा सो so, ये भी एक लिमिटेशन हमें इस सेक्टर में देखने को मिलता है सो so, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आर क्या होते हैं किस किस तरह के आर होते हैं इसके क्या लिमिटेशन्स हो सकते हैं क्या बेनिफिट्स हैं इसके और आने वाले टाइम में जो हमने रिसेंट न्यूज़ देखी कि आने वाले टाइम में जो ऑफिस बेस सेक्टर है इंडिया का आने वाले पाँच छः सालों में इंक्रीज करेगा और ज़्यादा बूम करेगा हमारे पास करेंटली क्या ऑप्शन हैं सो so, आज के सेशन में इतना ही था जाने से पहले आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि क्या आप भी आर में इन्वेस्ट करते हैं नहीं करते हैं आने वाले पॉसिबल टाइम में आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे कॉमेंट सेक्शन में अपने सजेशन और अपने रिव्यूज जरूर शेयर करें मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए कीप नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ